हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जश्न। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज बी द चेंज के एक नए पॉडकास्ट एपिसोड में। तो आज हम कुछ रैंडम क्वेश्चन सर से पूछेंगे। क्या कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आज की टीन को, आज की जेंजी को, आज की यूथ को मतलब टेंशन में डालते हैं, कंफ्यूजन डायलमा में डालते हैं, और क्या उनका रियल मीनिंग हो सकता है? तो सबसे पहले थैंक यू सर आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए। और इसकी शुरुआत हम करेंगे सर, पहला क्वेश्चन हमारा होगा कि ये मैनिफेस्टेशन की रियलिटी क्या है, क्यों मैनिफेस्टेशन वर्क करता है कई लोगों के लिए और बहुतों के लिए ये नहीं काम करता। कि वो कहते हैं मैं इतनी देर सोचता रहा इस चीज को, ये होगी, मैंने ये भी फील किया कि ये चीज हो चुकी है, अफर्मेशन करता रहा, पर ये मेरे साथ कभी हुई नहीं। तो इसकी रियल साइंस क्या है इसके पीछे? फर्स्ट इसके पीछे साइंस है कि हमारी कॉन्शियसनेस रियलिटी क्रिएट करती है। दिस इज फर्स्ट टाइम। सेकंड, एक फोटोन बेल्ट है। सी एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, वॉट एवर वी सी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर फोटोन, जिसको साइंस ने अभी तक ऑब्जर्व किया। यस सर, ये फोटोन को जब हमारी कॉन्शियसनेस ऑब्जर्व करती है तो वो एक रियलिटी, एक ऑब्जेक्ट बनता है। उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सपीरियंस करते हैं, से हमने मैंने मेरी कॉन्शियसनेस ने ऑब्जर्व किया और एक स्नेक बन गया। अब वो स्नेक मेरा दोस्त बनेगा या मुझे डसेगा, ये एक थर्ड स्टेप है। लेकिन फर्स्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन अवर कॉन्शियसनेस। जब फोटॉन बेल्ट से हमारा सोलर सिस्टम गुजर रहा है, हम उसके पास आते जा रहे हैं, रेदर वी आर इन फोटॉन बेल्ट, लेकिन आने वाले समय में ये और डेंस होगी, तब हमारे सारे थॉट मैनिफेस्ट होंगे। जिसके थॉट मैनिफेस्ट नहीं होते, इसमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हमारी वांट है, जो हम चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, जो हमारी नीड्स हैं वो मैनिफेस्ट नहीं होती या कम मैनिफेस्ट होती है, बिकॉज नीड्स आर बेस्ड ऑन फियर। हमें इसकी कमी है इसलिए हम वो नीड है, वो नीड मैनिफेस्ट नहीं होती। जिस चीज को हम प्यार करते हैं, जिसके पीछे हमारी हार्ट की एनर्जी है, इमोशंस हैं, इमोशंस एनर्जी इन मोशन, इमोशन, ये एनर्जी हार्ट के लोगों में फेल होती है। वो माइंड लगाते हैं, सोचते रहते हैं, इसलिए मैनिफेस्टेशन स्लो होते हैं या नहीं होते। और थर्ड है हमारी ओन फ्रीक्वेंसी, जो इसको डिसाइड करती है, जो हायर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जो डर पे बेस्ड नहीं होते, थैंकफुलनेस में है, हर चीज़ इजी है, उनके मैनिफेस्टेशन ऑलवेज होते हैं। ओके सर, वांट्स एंड नीड, ये वो चीजें हैं जो हमें क्लैरिफाई कर सकते हैं कि क्या मैनिफेस्ट होगा और क्या नहीं होगा। नहीं, देर इज नो लिमिट। वट एवर योर कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट, यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग, बिकॉज द वर्ल्ड इज ए होलोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ अवर कॉन्शियसनेस। यू कैन क्रिएट एनी थिंग, लेकिन कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सफिशियंट, तो कॉन्शियसनेस रेज करेंगे तभी कॉन्शियसनेस देख पाएगी कि ये पॉसिबल है। बट देर इज नो लिमिट, कुछ भी, जैसे कुछ भी। द सीक्रेट या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी कुछ बुक्स में बताया गया है कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक चीज को मान लिया है और उसके ऊपर कोई कॉन्शियस डायलमा नहीं है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, हमने उसे रियलिटी मान लिया है, तो कोई भी चीज को हम अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, कोई भी चीज, इवन जैसे अगर कहते हैं कि दांत दो बार टूट जाते हैं तो थर्ड टाइम नहीं आते, आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इट इज इट्स ए लिमिटेशन ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। मैं केस जानता हूं पर्सनल, उनका यूट्रस रिमूव कर दिया गया था यंग एज में, देर वर सम डिसीज, ए लेडी, शी वांट्स ए चाइल्ड, उनकी डिजायर बहुत ज्यादा थी, उनका यूट्रस बॉडी में दोबारा जनरेट हुआ है जस्ट विद द मैनिफेस्टेशन। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सर यही वो साइंस है जो हमारे धर्मों में बताया गया कि चमत्कार हो जाते हैं। हम जिसको नहीं समझ पाते उसको हम शब्द दे देते हैं चमत्कार। दैट वॉज पॉसिबल, एंड इफ वी कुड असेंट, लाइक आई वॉज ऑलवेज टेलिंग, कि युग परिवर्तन, तो हम ये सब करेंगे। तो सर, विल बी ऑन थॉट बेस्ड। ओके सर, सो सर इसके अगर कोई इंसान चाहता है कि मेरी कोई चीज मैनिफेस्ट हो, जैसे आपने कहा डिफरेंस है नीड और वांट्स में, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या ऐसी कोई टेक्निक हो सकती है जिससे वो कोई चीज को मैनिफेस्ट कर सके? यस, इन माई ग्रुप देर आर सम मेडिटेशन, सारे मैनिफेस्टेशन बेस्ड हैं। सिंपल मेडिटेशन, 2 पॉइंट मेडिटेशन है। सपोज आपकी प्रॉब्लम है, आपका एक्सीडेंट हो गया, यू आर गोइंग विद अ बाइक और आपका हो गया, फ्रैक्चर हो गया। नाउ इन 1 पॉइंट आप देखो कि एक प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर, आपकी अगर कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करती है नेक्स्ट मोमेंट, तो वो नेक्स्ट मोमेंट पे हील हो सकता है।
लेकिन कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट नहीं करेगी, इट्स नॉट रेडी. सो यू गिव 2 वीक्स और 3 वीक्स टाइम, वट एवर यू थिंक इज, देन देर इज अ सोल्यूशन इन यूनिवर्स इन 3 वीक्स. जस्ट यू फील द एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट. इट इज बेस्ड ऑन क्वांटम एंटेंगल. ब्रह्मांड में जो क्वांटम के पार्टिकल्स हैं वो किसी भी डिफरेंस में हो, किसी भी गैलेक्सी में हो, वो इंटेंगल हो जाते हैं. जैसे ही ये करके आप छोड़ दो एंड लेट द सोल्यूशन, यूनिवर्स फाइंड द सोल्यूशन. इवन फॉर एग्जाम्पल, अगर कैंसर को आपको लगता है कि ये नॉन क्यूरेबल डिसीज है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के लिए नॉन क्यूरेबल है, यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी पॉसिबल है. उसी ने कैंसर बनाया है, उसी के पास सोल्यूशन है. तो सोल्यूशन यूनिवर्स को ढूंढे. जब ह्यूमन माइंड है उसकी लिमिटेशन है, वो सोल्यूशन अपनी लिमिटेशन थोड़ी देर के लिए अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करें, सोल्यूशन यूनिवर्स पे छोड़ दें, सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाए. ये सर आपने बताया मैनिफेस्टेशन कैसे हम कर सकते हैं. सर अभी आपने एक टॉपिक को टच करा कि सब कुछ इस दुनिया में कनेक्टेड है, कि फोटोन के जरिए या ऐसा कुछ, कि सब कुछ इस दुनिया में कनेक्टेड है. सर इसी के साथ हम अपने डेली लाइफ में ये देखते हैं कि हम किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं तो आगे से उसी इंसान का कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा. तो सर ये क्या चीज है, ये कुछ हमें बताता है कि कुछ बड़ा है इस यूनिवर्स में जो अब तक हमने एक्सप्लोर नहीं करा है. वी आर ऑल, जो पहले डॉक्टर नेरुका का इंटरव्यू था उसमें भी उनकी टीचिंग का बहुत बड़ा पार्ट था, वी आर वन. सो फर्स्ट स्टेप में हम कहते हैं वी आर कनेक्टेड लाइक यू सेड, बट अल्टीमेटली वी आर वन एंटिटी. तो दैट्स वाई अब हम इसको जानना शुरू कर रहे हैं, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं. अभी हम पहले देखते हैं कि हमारे थॉट वहाँ पे, टेलीपैथी इज ए नेचुरल. हम सोचते हैं कि विकास हो गया, स्मार्टफोन आ गया है. नो, वी डोंट नीड स्मार्टफोन. वी कैन कम्युनिकेट टेलीपैथिकली, और अगर टेलीपैथिकली कम्युनिकेशन होगा तो कोई झूठ नहीं बोल पाएगा, नेताओं को पसंद नहीं आएगा. यस सर, यस, वी विल कम्युनिकेट. ओके सर, ये आपने बहुत अच्छा इसके बारे में क्लैरिटी दी कि मैनिफेस्टेशन एक रियलिटी है, हम इसे कुछ टेक्निक के साथ कर सकते हैं. और आज कुछ लोग नहीं मानते क्योंकि वो जागरूकता की कमी है. लोग सोचते हैं ये सिर्फ हाइपोथेसिस, ऐसा कुछ नहीं होता, जो मिलना है वही होगा. इसको अगर सर अगर हम एग्जांपल से समझेंगे, मैंने कहीं सुना था कि अगर आपको एक न्यूज न्यूयॉर्क टाइम्स कोई पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर, तो पहला जरिया है कि आप न्यूयॉर्क जाएं फ्लाइट लेकर, उधर जाकर ये न्यूज़पेपर पढ़ें, और दूसरा जरिया है अपना फ़ोन उठाएं और उधर से चेक कर लें. इसी तरह हमारा जो माइंड है एक पोर्टल की तरह काम कर रहा है, एक यूनिवर्सल सबकॉन्शियस इस दुनिया में है जिसके अंदर आज हम क्यों ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी कम है. एक समय था जब जो संत थे, ऋषि मुनि थे, ध्यान के जरिए वो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे, जैसे रासायनिक ज्ञान है या फिर एस्ट्रोनॉमिकल जो ज्ञान था उनका, जो उन्होंने डिस्कस किया है. तो ये सब डिपेंड करता है कि हम कैसे अपना फ्रीक्वेंसी को रेज करें और मैनिफेस्ट करें. और इसी को हम योग कहते हैं. योग जनपथ पे सर्कस करना नहीं है. जब आपकी कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाती है, यू कैन फेच एनी इंफॉर्मेशन, यू कैन फेच एनी इंफॉर्मेशन इन दिस यूनिवर्सल माइंड. ओके सर, तो सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा मैनिफेस्टेशन के बारे में, इसकी टेक्निक्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में. और इसको जानकर काफी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, काफी लोग वो चीजें अचीव कर पाएंगे जो अब तक वो डायलमा में थे. इसके बाद सर मेरा अगला क्वेश्चन होगा कि आज के समय में ऐसी काफी चीजें इस दुनिया में चल रही है, जैसे आयाहूस का ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे कैनाबिस ट्रीटमेंट है जिसके अंदर ड्रग इंजेक्ट किया जाता है आपकी बॉडी में आपको वो ट्रिप देने के लिए. और कुछ लोग बिलीव करते हैं कि इस ड्रग को लेने के बाद जो आपका हार्ट है और जो आपका ब्रेन है ये रीवायरिंग हो जाता है इनका, कि फ्रीक्वेंसी नेचुरल स्टेट पर आ जाती है. तो सर क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है या फिर ये सिर्फ नशे करने का एक बहाना है?